हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कद्दू की चटपटी सब्जी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कद्दू, जिसे मैंने इसे पतले पतले पीसेस में काट लिया है। ये देखिए, इस तरह काटा है मैंने और इसे धो लिया है काट के। इसकी बीज भी निकाल लिया मैंने। और फिर मैंने लिया है यहाँ पे, इसमें प्याज बहुत सारा पड़ता है तो इसमें मैंने चार बड़े प्याज को बारीक काट लिया है। उसके बाद हम लेंगे अदरक और लहसुन और फिर हरी मिर्च, बहुत सारा अदरक और बहुत सारा लहसुन भी पड़ता है इसमें। उसके बाद हम लेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता, इससे उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे चने, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रख दिया था। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। सबसे पहले उसमें डालेंगे जीरा, और जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाए तो हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, देखिए। और अब हम इसे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो अदरक और लहसुन था जिसे हमने बारीक काट के रखा था, उसे डाल देंगे और उसे हम भूनेंगे जब तक कि वो थोड़े गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर रहा है अदरक और लहसुन अपना। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा प्याज डाल दिया। और अब हम इसे भी अदरक और लहसुन के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसे भी हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, अब ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। तो इसमें अब हम डालेंगे अपने चने जो हमने भिगो के रखे थे। तो ये हमने चने डाल दिए, और प्याज के साथ हम चनों को भी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जब तक चने थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो अब हमारे जो चने हैं वो भून चुके हैं अच्छे से, ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कद्दू जो हमने पतला काट के रखा था। तो ये देखिए, मैंने इसमें सारा कद्दू डाल दिया, और अब हम इसे ऐसे मिला लेंगे। ये अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर ये गलने के बाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और तो ये देखिए, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसे मिक्स करने में, पर थोड़ी देर के बाद ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो हम इसे मिक्स कर देंगे और फिर इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट तक। और फिर 5 मिनट बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। देख रहे हैं आप कैसे ये थोड़ा थोड़ा अभी गलना शुरू हुआ है, तो ये थोड़ा कम हो गया है क्वांटिटी में। ये देखिए, हम फिर से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और हम इसे फिर से ढक देंगे। ढक के हम इसे फिर से पकाएंगे 5 मिनट तक। और उसके बाद 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के हम इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। ये देखिए, मैंने डाल दिया नमक और हल्दी, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कद्दू में। जैसा कि ये देख सकते हैं, कद्दू धीरे धीरे कम हो रहा है गल के। तो अब हम इसे फिर से ढक देंगे, और अब 15 से 20 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब कद्दू बिल्कुल गल चुका है और अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया पत्ता जो भी हमने काट के रखा था, और उसे भी हम कद्दू में मिक्स कर देंगे, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, हमने धनिया पत्ता भी मिक्स कर दिया है, और अब ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये बिल्कुल तैयार है अब बन के। धनिया पत्ता डालने के बाद हम 1 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे पका लेंगे, और फिर हम गैस बंद कर देंगे। तो अब हमने गैस बंद कर दिया, और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे, और अभी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।